लालती चौहान की जाने के बाद उनके पति विष्णुराज के घर वालों को जिस बात का डर सता रहा था आखिरकार उनके साथ वही हो गया। जी हाँ दोस्तों, मालती चौहान के बाद अब विष्णुराज भी इस दुनिया में नहीं रहा, हम लोगों के बीच नहीं रहा। विष्णुराज की यह खबर अभी अभी गोरखपुर के जिला जेल से सामने आ रही है कि विष्णुराज का अभी अभी जेल में ही निधन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, मालती चौहान के जाने के बाद जिस दिन विष्णुराज की गिरफ्तारी हुई थी उनके परिवार वाले यह कह रहे थे, मीडिया कर्मियों के पास रोग इगेड़ कर कह रहे थे कि विष्णुराज भी अपने साथ वही करेगा जो उसकी पत्नी अपने साथ की है। और आज आखिरकार विष्णुराज अपने साथ जेल में वही कर लिया है, 28 दिसंबर की तारीख पर अपने साथ ऐसा कदम उठा लिया है। ठीक एक महीने के बाद मालती चौहान के जैसा ही विष्णुराज भी जेल में अपने साथ वैसा ही कर लिया, अपने मासूम बच्चे को छोड़कर वह हमेशा के लिए इस दुनिया से चला गया है। दोस्तों इस खबर ने पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को हिलाकर रख दिया है, पूरे सोशल मीडिया पर इस खबर की काफी ज्यादा जोरों शोरों से चर्चा चलने लगी है, यह खबर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मालती चौहान के जाने के बाद उनके पति को ही गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि वीडियो के माध्यम से वह कह रहे थे कि कुछ भी हो जाएगा मैं अपनी पत्नी मालती को अपने घर पर नहीं रखूंगा, अपने घर पर नहीं लाऊंगा। और शायद यही वजह है कि विष्णुराज पर शक किया जाने लगा कि मालती चौहान का असली दोषी यही है, जबकि ऐसा नहीं था और आज आखिरकार विष्णुराज अपने साथ वही कदम उठा लिए। दोस्तों आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं विष्णुराज की आज हालत किस तरीके से हो गई है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज हॉस्पिटल से घर पर उनको लाया जा रहा है, डॉक्टर से रिपोर्ट के बाद उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज उनके घर पर लाया जा रहा है। स्क्रीन पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों आप लोग इनके बारे में दो शब्द कहना चाहें तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।